भिंड में मुख्यमंत्री सेवा योजना के तहत रेलवे स्टेशन पर कलेक्टर सतीश कुमार एस, एडीएम एसडीएम की मौजूदगी में सहकारिता मंत्री अरविंद सिंह भदौरिया के भाई देवेंद्र सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष कामना भदौरिया ने मुख्यमंत्री तीर्थ योजना के तहत भिंड रेलवे स्टेशन पर फीता काटकर 300 बुजुर्गों को अयोध्या एवं काशी के लिए ढोल नगाड़ों के साथ एवं फूलमाला पहनाकर रवाना किया। बुजुर्गों के साथ जाने वाले रेलवे कर्मचारियों अधिकारियों का भी फूलमालाओं से स्वागत किया गया। इस अवसर पर कलेक्टर सतीश कुमार ने कहा कि भिंड जिले में 17 सितंबर को बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा के अलावा ब्लड डोनेशन, दिव्यांग शिविर जैसे कई आयोजन किए गए हैं। आगे भी 31 अक्टूबर तक इस प्रकार के कार्यक्रम जारी रहेंगे। जैसे मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का जो ये फ्लैग ऑफ कार्यक्रम है, इसके साथ साथ जो चार और कार्यक्रम राज्य शासन ने तय किया है, एक रक्तदान शिविर। रक्तदान शिविर सुबह से चालू है 10 बजे से जिला अस्पताल में और गोहद में, तो वहाँ भी अभी लगातार शिविर है। तो हमने ये किया है कि केवल एक दिन शिविर ना करते हुए इसको 17 तारीख से लेकर 30 सितंबर तक लगातार शिविर आयोजित होंगे। तो अलग अलग जो जनप्रतिनिधियों और अलग अलग एनजीओ, सामाजिक संगठन और अलग अलग कर्मचारी एसोसिएशन को भी हमने आग्रह किए हैं, वो भी करें। मुख्यमंत्री की जो योजनाएं हैं जिसमें वृद्ध जनों को तीर्थ यात्रा कराई जाएगी, उनको भगवान के दर्शन के लिए भेजा जा रहा है, इसमें हमारे भिंड से 400 लोग जा रहे हैं, 300 लोग जा रहे हैं। हम लोग की 5 बोगियां हमारी बुक करी हुई हैं, जिसमें हम लोग S11 से S15 पे लोग बैठेंगे। जो वृद्ध जन है, जो लोग नहीं जा पाते थे, जो मुख्यमंत्री का नेतृत्व रहा है कि हमारे वृद्ध जनों को भगवान के दर्शन की पूरी सुविधा मिलनी चाहिए।